एक चीज जो हर किसी को क्यूरियस करती है वो ये है कि अगले के बैग के अंदर क्या है। अब मुझे ये नहीं पता कि व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू नो व्हाट्स इन माय बैग, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे बैग में क्या है। एक्चुअली मुझसे ये गिला भी किया जाता है कि ये तुम्हारा बैग इतना भारी क्यों होता है, इसमें क्या है, तो मैं अक्सर जवाब देती हूँ कि इसमें डेड बॉडीज़ हैं। एक्चुअली इसमें डेड बॉडीज़ नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या है। बट एक बात याद रखिएगा कि लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से आपके बैग की चीज़ें भी चेंज करती हैं। सो आज जो कुछ भी है वो आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ अजीब चीज़ें भी होंगी, बट लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो मेरे बैग के बारे में बड़े लोगों ने पूछा कि कौन सा बैग है। ये जिमी चू का बैग है, एंड उसके अलावा इसके सामने ये जो एक फॉक्स लगा हुआ है, फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, ये केट स्पेड का है। अब मेरे बैग के अंदर क्या है, सबसे पहले तो ये इतना बड़ा जो पाउच है, अब आप कहेंगे ये क्या है। ये बाओ बाओ एक कंपनी है इसमियाकी की जो बनाती है। अब इसके अंदर क्या है, इसमें मेरी यू नो आई केयर का कुछ सामान है, मुझे स्किन एलर्जीज होती हैं तो एक ऑइंटमेंट है, मेरी लिप बाम है, उसके अलावा ये बड़े मज़े का एक लिप स्टेन है, लिप एंड चीक स्टेन, ये मेरे बैग के अंदर है, इस पाउच के अंदर है। फिर ये परफेक्ट आईज़ के लिए एक अंडर आई का, इस किस्म की छोटी और बड़ी बहुत सी चीज़ें, एंड देन हैंड क्रीम। तो ये मेरा छोटा सा ऑल इन वन पाउच है, एंड देन ऑफ़ कोर्स इसमें कुछ जिस तरह एक अल्कोहल स्वाब भी है। डोंट फॉरगेट कि आई एम अ मदर, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे पास होनी ज़रूरी होती हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए। मेरी माइग्रेन की दवाई है, पेन किलर है, इस किस्म की चीज़ें हैं, एंड देन इसके अंदर कुछ बैंडेजेस, सनी फ्लास जिसको कहते हैं, वो भी है। तो एक तो ये मेजर चीज़ हो गई। सनग्लासेस, एवरीवन हैज सनग्लासेस इन देयर बैग, ये मेरी वैलेंटिनो की फेवरेट सनग्लासेस है। अभी अक्सर लोग मेरे हाथ में देखते रहते हैं ये क्या है, ये एक्चुअली परफ्यूम है, शनेल का मेमोजेल जो परफ्यूम है वो, ये एक उसका ऑप्शन है। सो एज यू कैन सी इसके अंदर ये होता है, सो इट्स अ वेरी फन थिंग, ये इसके अंदर परफ्यूम है और ये छोटी सी गैजेटी चीज़ है। पूरी बोतल कैरी करने से तो फिर भी आसानी होती है। अच्छा, और इनहेलर, क्योंकि सांस के मसाइल भी हैं। अच्छा, अब सांस के मसाइल की बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब है, तो मेरी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी मेरे बैग के अंदर है। उसके साथ जाहिर ही जब प्रिस्क्रिप्शन होगी तो दवाइयाँ भी होंगी, तो कुछ दवाइयाँ हैं जो इमीडिएट यूज़ की हैं, जैसे कि ये सारा कुछ जो मैं आजकल ले रही हूँ। अच्छा, ये मेरी बड़ी फेवरेट चीज़ है, ये एक चॉकलेट के डब्बे के साथ एक फ्री का गिफ्ट आया था जिसके अंदर आप चीज़ें डाल सकते हैं। तो इसके अंदर नॉर्मली मैं अपनी ज्वेलरी डालती हूँ, स्पेशली जब खाना बनाना होता है और डिफरेंट चीज़ें करनी होती हैं घर की, तो देन वन डजंट वांट कि आपकी ज्वेलरी आपके बैग में घूमती रहे, तो किसी पॉकेट में डालने से बेहतर है कि छोटे से पाउच में डाल के ऐसे करके बंद कर दिया, बेचारे का काफ़ी बुरा हाल है। अच्छा, ओह लो जी, एंटीबायोटिक भी निकल आई। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि देसी टोटके ट्राई करने का बड़ा शौक है, तो यूकलिप्टस ऑयल जो विक्स की बेस होती है वो मेरे पास बैग में है, तो ये मैं कुछ कतरे जो हैं वो कहीं पे भी स्टीम अगर लेनी हो तो उसमें डाल के उसकी भाप भी ले लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा नाक बंद हो तो ऐसे करके लगा के नोज़ की टिप पे लगा देती हूँ, तो सांस आना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ बैग में और भी काफ़ी अजीब अफलातून टाइप चीज़ें हैं। एक नीले रंग का क्लिप है जो मुझे लगता है मैंने किसी सैलून से चोरी किया है, और जिसका भी है मैं वापस नहीं कर रही, बहुत माजरत के साथ। अच्छा, पिछले दिनों मैं पाकिस्तान से बाहर गई तो मुझे वहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी खातून ने कहा जो असिस्ट कर रही थी कि ये फेस मास्क है, ये तुमने ज़रूर ट्राई करना है। वो दिन आज का दिन है, फेस मास्क इस्तेमाल ना हुआ, बैग में रुलता रहा। हेडफोन्स, हर औरत की एक बेसिक ज़रूरत, उसके साथ दो फोन्स, एक मेरा जो काम का फ़ोन है और दूसरा मेरा जो पर्सनल फैमिली वगैरह फ्रेंड्स वगैरह के लिए। उसके अलावा ये मेरे बेटे ने कुछ नंबर्स मुझे दिए थे कि मम्मा मेरे इन फ्रेंड्स को इनवाइट करना है आपने खाने के लिए, लंच के लिए और डे स्पेंडिंग के लिए, लास्ट संडे की बात है। फिर दो किस्म के आइस ब्रेकर सावर्स मुझे बहुत ही पसंद हैं, शुगर फ्री हैं, ये मेरी एक वाइस है। गला, आपको पता है माशाल्लाह हमेशा ही मेरा ख़राब होता है,
तो ये रिकोला शुगर फ्री कुछ हैं, जैसे लोग स्ट्रेप्सिल्स वगैरह यूज़ करते हैं, मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे सूट भी बहुत करती है और एक्चुअली गला खुल जाता है। नेल्स की जिस इंसान को ऑब्सेशन हो उसके पास नेल फाइल ना हो, इम्पॉसिबल सी बात है। तो नेल फाइल भी बैग के अंदर है। आप ज़रा देखें ना ये ढेरी जो बनती जा रही है, इस बैग की आप ज़रूरत को देखें कि वो सब चीज़ों को फिट कर लेता है मासूम। फिर मेरा वॉलेट जिसके अंदर मेरे बहुत से कार्ड्स और करोड़ों किस्म की चीज़ें हैं, पैसे कम हैं, दूसरी चीज़ें ज़्यादा हैं। मेरा ये छोटा सा जो डेली प्लानर है, छोटा सा तो खैर नहीं है, काफ़ी बड़ा है, वॉलेट से भी बेचारा बड़ा है। ये एयरमेज़ का मेरा एजेंडा या डेली प्लानर है, इसके अंदर मैं रेगुलरली लिखती हूँ कि किस दिन क्या काम है, कितना काम है। मेरे लिए ये बड़ा यूज़फुल रहता है। और इसी के अंदर मेरा मोमला का पेन भी है, सो इसके अंदर मेरा पेन भी होता है, तो ये भी बड़ा यूज़फुल और काम आने वाली चीज़ है। आई नो कि आजकल सब चीज़ें फ़ोनों पर आ गई हैं, बट दैट्स ओके। अच्छा, ये एक पाकर का पेन है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत साल पहले दिया था, एक सेंटिमेंटल वैल्यू के तौर पे मैंने रखा हुआ है। वाइप्स, बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में आजकल जो वाइप्स नहीं रखते, बहुत से लोग वो रखते हैं एंटीबैक्टीरियल, वो जो हैंड क्लीनिंग की चीज़ होती है, और साथ में वाइप्स। तो मेरे पास वाइप्स हमेशा होते हैं, बीइंग अ मदर एंड जनरली ऑल्सो। उसके अलावा ये मेरा एक विटामिंस का पाउच है, छोटा सा। अक्सर ऐसा होता है कि ऑन द गो मुझे याद नहीं रहती अपनी दवाइयाँ लेनी, तो इसमें मेरी एंटी वो क्या है उसका नाम, एक तो प्रोबायोटिक है, इसके अंदर मेरी एक थायराइड की दवाई है, उसके अलावा मेरी इसके अंदर विटामिन क्या है उसका नाम, जो हमारी ऑयल्स होते हैं ओमेगा 3, 6 and 9 है, एंड मल्टी विटामिन है। तो ये कुछ मेरा एक दवाइयों का पाउच है। उसके अलावा करोड़ों ऐसी फजूल चीज़ें हैं जैसे कि रसीदें और बिल्स, जो लाइक अ लेज़ी पर्सन मैंने कुछ नहीं किया। ये कुछ अर्सा पहले मैं एक इवेंट पे गई तो एक प्यारी सी बच्ची ने मुझे ये मिंट पकड़ा दी। अब पता नहीं उसने प्यार में दी थी या मेरे मुंह से बुआ रही थी, मुझे नहीं पता। हर औरत के पास तिजोरी की चाबियाँ होती हैं। ये वैसे तिजोरी की चाबियाँ नहीं, अल्लाह की कसम मुझे खुद नहीं पता ये किस किस चीज़ों की चाबियाँ हैं, लेकिन ये इस पर चलती मतलब लगती चली गई और मैं भी जमा करती रही। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे जैसी खवातीन जो है उनके बैग में बहुत सा मेकअप और ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि मेकअप कोई भी नहीं है, लिप बाम ही है सिर्फ। आई थिंक जगह भी नहीं छोड़ी मैंने अपने बैग में किसी चीज़ की। एंड देन ये टर्की से एक ईवल आई वाली चीज़ है वो। उसके अलावा या दैट्स अबाउट इट। और गंदे गंदे से रंग बिरंगे से रबर बैंड है। और ये है मेरे बेचारे बैग की कहानी। आई होप कि इट वॉज़न्ट टू बोरिंग एंड अनइंटरेस्टिंग फॉर यू। अब आपके बैग में क्या क्या है ये आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर बैग का नहीं बताना तो वॉलेट का ही बता दें। और हाँ, YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।